नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माय सिलेक्शन बोर्ड पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GD के बारे में। SSC GD का जो रिजल्ट है उसकी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो SSC ने अभी आंसर की को क्या किया है, उन्होंने दे दिया है आंसर की को दे दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं SSC GD कॉन्स्टेबल आंसर की 2019 यानी SSC GD के लिए जो आंसर की है वो कॉन्स्टेबल के लिए आ चुकी है और आप उसे देख सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, जिससे हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 26 अप्रैल 2019 3:40 पर हाईएस्ट ऑफ सिलेक्शन कमीशन SSC हैज रिसेंटली अपलोडेड आंसर की एंड रिवाइज्ड वैकेंसी डिटेल नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ GD कॉन्स्टेबल और NCAPFS NIA SSF राइफलमैन एंड अदर वेरियस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2018 दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दिस रिक्रूटमेंट कैन डाउनलोड आंसर की। यानी कि जिन कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और एग्जामिनेशन दिया था, वो डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की को और चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। ये रहा डाउनलोड आंसर की। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और अपना आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड रिवाइज्ड वैकेंसी डिटेल्स नोटिस, अभी जो 10,000+ वैकेंसीज अगेन निकली हैं उनके बारे में ये नोटिस है। डाउनलोड रिजल्ट डेट नोटिस, तो क्या है यहाँ से, रिजल्ट डेट की नोटिस यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और डाउनलोड हो जाएगा हमारा। देखिए इस तरीके से ये दिखने लगेगा कुछ, यहाँ से देखते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द कॉन्स्टेबल GD इन CAPF दिस 13 का एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में 11/2/2019 से 11/3/2019 फॉर 18 डेज। लास्ट शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज कम्प्लीटेड टूडे, 1730 घंटे लगे। द साइलेंट फीचर इन द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द, यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसीज 58,373 वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 52,20,335 स्टूडेंट ने क्या किया था, रजिस्टर किया था इसके लिए 58,000 वैकेंसीज के लिए, लगभग 52,20,335 ने क्या किया था, फिल किया था। अभी यहाँ देख सकते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेट, यानी कि टेंटेटिव डेट जो अभी ये फिक्स तो नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है। टेंटेटिव का मतलब होता है चेंज हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 31/5/2019, यानी कि आपका जो रिजल्ट है 31/5/2019 को आ जाएगा। ये डिटेल दिया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने, ये डिटेल दी है ये कितने सिटीज़ में हुआ था, नंबर ऑफ सिटीज़ इन एग्जामिनेशन 125 सिटीज़ में हुआ था, स्टेट में 31, नंबर ऑफ स्टेट UTIs वेयर एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड 31, नंबर ऑफ शिफ्ट 34 शिफ्टों में, लगभग 3 शिफ्ट पर डे जिसमें मानकर लिया गया था। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, कितने लोग अटेंडेंस रहे हैं, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस 58.26% लोग क्या रहे हैं, अटेंडेंस रहे हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल किसके बारे में, आंसर की के बारे में, SSHD के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर लिखें, कितने मार्क्स आए आपको। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।